हाई एवरी वन वेलकम टू करेंट क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे के एस प्रम्स का अभी हम करंटली कवर कर रहे हैं इसमें एंशंट हिस्ट्री ठीक है तो ये जो क्रैश कोर्स है फिलहाल मैं यूट्यूब पे लेके आ रही हूँ एंड आई थिंक की जो आपके के एस की टेस्ट सीरीज रहेगी क्योंकि ऑल द यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है सिलेबस वाइज लेकिन वो आपके जेके के स्टैंडर्ड के बहुत ऊपर होती है एंड उसका ज्यादा फायदा आपके जेके एग्जाम्स में नहीं आता है ठीक है तो व्हाट आई अ टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली फॉर योर के एस प्रिलिम्स के एस जिसका जो है उसके बारे में अपडेट में जल्दी कर दूंगी एंड वो जो सारी नोटिफिकेशंस वगैरह मैं कहाँ पोस्ट करती हूँ मैं पोस्ट करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो वहाँ से आप मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कब मैं वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगी प्लस उस टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल वगैरह एंड टॉपिक्स जो है कैसे रहेगा कितने सेक्शनल टेस्ट होंगे कितने फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी फाइन करंटली हम हमारा जो प्रोलम्स है ये जो सीरीज है एक क्रैश कोर्स टाइप प्रोलिम्स का वो कंटिन्यू करते हुए अपना जो एंशियंट हिस्ट्री है वो आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो हमने कितना कर लिया एंशियंट हिस्ट्री हम कर रहे हैं करंटली उसमें हमने पहले पेलियोलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी वो हमारा हो गया उसके बाद हमने किया चालकोलिथिक पीरियड चालकोलिथिक पीरियड ठीक है चालकोलिथिक में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा वो कंप्लीट हो गया फिर हम आए ऋग्वेद वाली एज में या इसको वैदिक एज बोल लो आप फिर हम वैदिक एज में आए वैदिक एज जो अगेन डिवाइडेड है दो पार्ट्स में दैट इज योर ऋग्वेद एंड लेटर ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड लेटर ऋग्वेदिक में हम सिर्फ ऋग्वेद जो टेक्स्ट है वो देखते हैं बट लेटर वैदिक पीरियड में हम तीन टेक्स्ट देखते हैं ठीक है एक हो गया यजुर्वेद अथर्वेद एंड समवेद ठीक है तो ये चारों टेक्स्ट जो है ये करते हैं आपके वैदिक एज का टाइम अब जो संवेद है इसमें इसमें क्या आता है है बेसिकली आपके लिरिक्स आते हैं ठीक लिरिकल टेक्स्ट वगैरह तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके पिछले प्रोल्स में भी आया है जेके में भी एंड यूपीएससी में भी आया है ठीक है तो जो लिरिकल कॉम्पोनेंट है लिरिकल वैदिक टेक्स्ट वो कौन सा है तो संवेद जो है इसको बोला जाता है वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंड वेदास ऑफ ये आप लिख लो कहीं पे शायद पिछले मैंने आप लेक्चर्स में मिस कर दिया है फाइन तो अपने नोट्स में ऐड कर लो वेदाज ऑफ मेलोडी एंड चैंड दैट इज सम ठीक है एंड अब आपके दो रहते हैं यजुर्वेद एंड अथर्वेद तो यजुर्वेदा होता है आपका जिसमें आपके यहाँ पे लिख देती हूँ यजुर्वेद दिस इज द वेदा प्राइमरीली ऑफ मंत्रास फॉर worship rituals mantras for worship rituals ठीक है तो आपको लग रहा होगा इसमें भी मंत्रास हैं इसमें भी चैंट्स वगैरह हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है जो संवेद है इट मेनली ऑफ रिम्स अबाउट रेलिजियस रिचुअल्स ठीक है रिलीजियस रिचुअल्स की मेन चीजें इसमें हैं रिलीजियस रिचुअल्स फाइन एंड अथर्वेद में आपको सॉरी uh, इसमें समवेद में आपको इसमें आपको जो स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज एनमीज़ हो गया या आपके जादूगर वगैरह ठीक है या डिजीज़ के अगेंस्ट आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें एनिमीज़ के अगेंस्ट क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको संवेद में मिलेंगी इसमें वो आपको नहीं मिलती है यजुर्वेद में यजुर्वेद में सिर्फ क्या मिलता है रिलीजियस टेक्स्ट है तो उसमें आपको रिलीजियस रिचुअल या वर्शिप रिचुअल्स हैं सिर्फ वही देखने को मिलेंगे तो ये आपके हो गए यजुर्वेद एंड संवेद ये पुराने नोट्स में मिस हो गया है तो आपको क्या करना है अपने नोट्स में ऐड कर लो ठीक है लास्ट आपका रहता है अथर्वेद इसको हम यहाँ पे देखते हैं इसमें आपके डेली रिचुअल्स की जो चीजें हैं वो इंक्लूडेड हैं ठीक है डेली रिचुअल्स डेली रिचुअल्स जैसे मैरिज के रिलेटेड चीजें फ्यूनरल के फ्यूनरल के ठीक है प्लस इसमें और क्या आता है प्लस इसमें आपका है फॉर्मूलाज फॉर मैजिक फॉर मैजिक ठीक है एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं हमने देखा यजुर्वेद अथर्वेद एंड संवेद ठीक है यजुर्वेद में आपका आ जाता है ये वाला पोर्शन मंत्रास फॉर वर्शिप रिचुअल्स रिलीजियस रिचुअल्स वो ठीक है अथर्वेद होता है आपके डेली रिचुअल्स के जो चीजें होते हैं मैरिज एंड फ्यूनरल वगैरह उनके बारे में फाइन एंड फॉर्मुलाज फॉर मैजिक एंड ऑल वो आपको मिलेगा अथर्वेद में अब आपका वो आपको मिलेगा अथर्वेद में हाँ लास्ट वाला आपका बच गया समवेद समवेद में आपको लिरिक्स मिलते हैं इसको बोला जाता है वेदाज ऑफ मेलेडी एंड चैंड ठीक है इसमें स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज वगैरह या जादूगर वो सारी चीजें वो भी इसमें मैंशन होती हैं तो ये आप थोड़ा अपने नोट्स में ऐड कर लोगे तो हम आगे बढ़ते हैं करंटली हम अर्ली वेदिक पीरियड एंड जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड है एंड लेटर वेदिक पीरियड उसकी कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी सोसाइटी पॉलिटी पोजिशन ऑफ वुमेन वगैरह वो हो गया हम लास्ट जो चीज हमें यहाँ पे देखनी है दैट इज योर रिलिजन ठीक है ये होगा आपका अर्ली वैदिक दैट इज योर ऋग्वेद रिलीजन ऋग्वेदिक रिलीजन एंड यहाँ पे हम देखेंगे आपका लेटर रिलीजन लेटर वैदिक रिलीजन तो ये जो नोट्स है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी ठीक है तो क्या था आपका ऋग्वेदिक रिलीजन जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे जैसे मैंने आपको कहा आर्यन से पहले लोग यहाँ पे आए थे ना यहाँ के सेटलर्स जो आर्यंस थे ऋग्वेदिक आर्य फोर्सेस ऑफ नेचर वर्शिप्ट फोर्सेज ऑफ नेचर अब देखो ये वीडियो आपको कहाँ भी हेल्प करेगा जैसे आप अपना एक कंपोनेंट पढ़ रहे हो ना आप जैसे पॉलिटी आपने स्टार्ट किया है साथ साइड बाई साइड आप ये वीडियोस भी देख लेना पॉलिटी के साथ साथ जैसे आपका एंशंट इसके बाद मेडिवल भी स्टार्ट करेंगे फिर आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री वाला कॉम्पोनेंट भी कवर हो जाएगा ठीक है तो वर्शिप ये क्या करता था आर्यन दी फोर्सेस ऑफ नेचर फोर्सेस ऑफ नेचर कैसे हो गए जैसे बारिश हो गई ठीक है विंड हो गया ये इन सब चीजों को वर्शिप करते थे इन सब चीजों में इनको गॉड दिखते थे ठीक है तो आप बोल सकते हो ये वर्शिप करते थे फोर्स ऑफ नेचर को इन ह्यूमन फॉर्म दैट मीन्स अगर बारिश हो रही है उसको कोई एक गॉड का फॉर्म जो है उसमें उसकी वर्शिप हो गई विंड ज्यादा है उसमें उसकी आ, एक गॉड की ह्यूमन फॉर्म में वर्शिप हो गई ठीक है इन ह्यूमन फॉर्म अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इनके गॉड्स के थोड़े नाम देखो पहला है इंदिरा चीफ गॉड इनका वॉज कॉल्ड गॉड ठीक है ये पहला हो गया दूसरा हो गया अग्नि अग्नि को बोलते थे फायर गॉड ये काफी इंपॉर्टेंट है नाम इंदिरा अग्नि वगैरह ये आप याद रख लोगे थर्ड वन थर्ड वन वाज वायु दैट इज योर विंड गॉड विंड गॉड एंड फोर्थ वन वाज वरुणा रिवर गॉड ठीक है एंड फिफ्थ वन वॉज सोमा दैट इज सोमा एक प्लांट का नाम था ठीक है लिक्कर गॉड भी थे वरुणा है तो आप बोल सकते सारे फोर्सेस ऑफ नेचर हो गए फायर वेंड एंड रिवर रेन वगैरह इनको ह्यूमन फॉर्म में वर्शिप किया जाता था ठीक है ये हो गया कि वर्शिप कैसे किया जाता वर्शिप किन चीजों को करते थे ठीक है आप वर्शिप कैसे करते थे वो यहाँ पे देख लो Chief form of worship, Katha. Chief form of worship was prayers, take care. prayers and yajnas. जना का क्या मतलब हुआ सैक्रिफाइस तो कैसे करते थे आप प्रेयर एक कैसे वर्शिप करते थे एक तो प्रेयर वगैरह से भी वर्शिप करते थे एंड यज्ञ सैक्रिफाइस वगैरह भी परफॉर्म करते थे ऑल द दोनों चीजें होती थी लेकिन जो प्रेयर्स हैं दे वर मोर इम्पोर्टेंट ठीक है ये फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट था अब वो प्रेयर्स करते थे लेकिन मेजरली या मोस्टली वो किस चीज के लिए प्रे करते थे दे मोस्टली प्रेड फॉर काउस क्योंकि काउ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ठीक है एंड सुवेरा एस यू सुवेरा मीन ब्रेव सन तो कहीं ना कहीं बेटों को जो प्रेफरेंस आज मिलती है तो उसको आप ट्रेस कर सकते हो अर्ली अर्ली वैदिक टाइम से ऑल दो इतनी डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी लेकिन ये चाह कि मेरा एक बेटा ही होना चाहिए ये बहुत पहले से चलता आ रहा है इंडियन सोसाइटी में ठीक है उस टाइम पे गॉड्स एंड गॉडेसेस दोनों प्रेजेंट थे गॉड्स एंड गॉडेस लेकिन जो हैं, गॉड्स, गॉड्स, तो कुछ फॉर्म ऑफ इन जो है इस सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करती थी सब ऑर्डिनेट टू गॉड्स एंड गॉड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता था क्लासिफिकेशन एरियल गॉड्स terrestrial गॉड्स एंड अंडरग्राउंड गॉड्स जो एरियल हवा में है जमीन पे है गॉड्स एंड जमीन के अंदर अंडरग्राउंड ठीक है और एक बात ये मैंने आपको पहले भी कही थी उस टाइम पे कोई टेम्पल डिस्कवर नहीं हुए थे ठीक है नो टेम्पल्स वर डिस्कवर्ड नो टेम्पल इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई आइडल वर्शिप उस टाइम पे नहीं थी देवर नो आइडल्स फाइन तो ये सारा हमें ग्रेजुअली आगे की स्टेजेस में ये टेम्पल्स एंड आइडल्स देखने को मिलेंगे फिर हो गया आपका ऋग्वेदिक रिलीजन लेटर वैदिक रिलीजन लेटर वैदिक रिलीजन में क्या हुआ जैसे इसमें आप क्या करते थे वो वर्शिप करते थे नेचर को ह्यूमन फॉर्म में लेकिन वो स्पिरिचुअल कैरेक्टर नहीं था जैसे प्रे कर लिया गॉड के लिए सन के लिए एंड ऑल बस उतना ही था एक रिलीजन का एसेंस होता है ना उसमें एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर होता है ठीक है वो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो पार्ट बना लेटर वेदिक का स्पिरिचुअलिज्म वो कब आया वो आया लेटर वेदिक पीरियड में लेटर वेदिक ठीक है <laughs> लेटर वेदिक पीरियड में एक और चीज आई हिंदुजम में एक फिलॉसफी हिंदू फिलॉसफी की एक बुक है है उसको बोला जाता उपनिषद तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो लेटर वेदिक पीरियड में हुई उपनिषद स्पिरिचुअल बिकेम ए पार्ट ऑफ लेटर वेदिक पीरियड एंड डेवलपमेंट ऑफ उपनिषद डेवलपमेंट ऑफ उपनिषद ठीक है अब जो लिस्ट ऑफ गॉड्स थे पहले क्या थे इंदिरा वायु वरुणा वगैरह वो जो लिस्ट ऑफ गॉड्स थे उसमें चेंज हो गई ठीक है जो इंदिरा था जिसको पहले जो चीफ गॉड आपका रेन गॉड इंदिरा लिस्ट ऑफ गॉड्स इंदिरा ठीक है इंदिरा का ये हो गया उसके बाद ये क्यों लेकिन इंदिरा को बाहर फेंका गया क्योंकि मैंने आपको स्पिरिचुअलिज्म इस आ, एल, आ, फेज में डेवलप हुआ ठीक है तो अगर किसी भी गॉड को या किसी भी चीज को आप एसोसिएट करते आ, उन चीजों के साथ जो एथिकल नहीं है इमोरैलिटी के साथ फाइन तो उस चीज को अब गॉड कंसिडर नहीं करते तो इंदिरा को एसोसिएट कर उस टाइम पे किया जाने लगा डांसिंग विद विद्बा उर्वशी एक्सेट्रा तो मींस उस टाइम ये गॉड को करप्ट समझा गया एंड मॉरल moral, नहीं मॉरलिटी इसमें जो है वो नहीं एडेड थी इस वजह से इट वाज थ्रोन आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ गॉड्स ठीक है स्टेज में क्या हुआ प्रजापति जो है बिकेम द सुप्रीम गॉड बिकेम द सुप्रीम गॉड पहले कौन थे पहले के चीफ गॉड कौन थे इंदिरा ठीक है यहां मैंने आपको कहा प्रेयर एंड सेक्रीफाइसेस दोनों होते थे लेकिन जो प्रेयर थी देवर मोर इंपॉर्टेंट दैन सेक्रीफाइस ठीक है लेटर वे दिख में क्या हुआ सैक्रीफाइसेस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई सेक्रीफाइसेस बिकेम चीफ फॉर्म ऑफ वर्शिप और हमें पता है सेक्रीफाइसेस के लिए हमें किन की जरूरत है सेक्रीफाइसेस के लिए हमें पड़ती है चांटिंग की मंत्रास की ठीक है एंड वो इंसान जिनको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने आएंगे और यहीं से इस स्टेज के बाद क्या हुआ सैक्रीफाइसेस की वजह से ब्रह्मस की वैल्यू जो थी वो बढ़ गई ब्राह्मण रोज टू प्रोमिनेंस ठीक है आगे देखते हैं इट वॉजिंग दिस पीरियडिक रिलिजन रिलीजल बिलीफ वो कौन से वाले बिलीव थे फॉर एग्जाम्पल फेलस वर्शिप तो कॉमेंट्स में बताओ फेलेसवरशिप जो है हमने कहाँ पहले पढ़ा हुआ है ठीक है ये मैं नहीं बोलूंगी ये मैंने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो ये सारे बिलीफ जैसे फेलेसवरशिप वगैरा एडोप्ट करने लगे फाइन एंड दी वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस ये दोनों वर्शिप जो है किस एज में होती थी किस फेज में वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ एंड वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस अभी भी कोई टेम्पल uh, प्रेजेंट नहीं था नो आइडल वर्शिप एंड नो टेम्पल नो आइडल वर्शिप एंड नो टेम्पल ठीक है तो ये हो गया हमारी सोसाइटीज एंड ऑल के बारे में बन सकते हैं तो आप ये सब कंप्लीट करेंगे एंड इसके साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ आर्यन अर्ली आर्यन कहाँ सेटल हुए थे सप्ताह सिंधु रिजन में सप्ता सिंधु रिजन कौन सा रिजन हुआ दिस वॉज कॉल्ड सरस्वती एंड ये वो रिजन था जो इंडस रिवर एंड उसकी फाइव टेर फाइव ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो टेरिटरी जो बनाती हैं ठीक है ठीके? जैसे ये आपका इंडस रिवर है एंड ये उसकी अलग अलग टेरिटरीज टे, ट्रिब्यूटरीज होगी पांच तो ये जो टेरिटरी बनाएंगे एक लैंड बनाएंगे ना जहाँ पे जो एरिया ये रिवर्स ड्रेन करेंगे ठीक है तो वो लैंड जिसको सरस्वती बोलते थे अर्ली आर्यन वहीं पर सेटल हुए थे फाइन एंड जो ऋग्वेद है उसमें नदी रिवर्स जो है फोर्टी टू रिवर्स फोर्टी टू रिवर्स और उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट वैट इज यो चैप्टर जिसमें रिवर्स के बारे में दैट वॉज कॉल्ड एज नदी सु नदी सुक्ता ठीक है तो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये सारा मेरा वीडियो एंड जो भी हम पढ़ रहे हैं तो या तो नोट्स डाउनलोड कर लेना इसकी मेरी वेबसाइट से या तो अपने नोट्स जो है पर्सनल वो बना देना अगर टाइम कम है तो आप ये नोट्स आपको वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो तो हम देखते हैं फाइव ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जहलम चनाब रावी ब्यास एंड सतलुज ठीक है ये पांच ट्रिब्यूटरीज हैं अब इनके नाम देख लो क्या क्या मैंशन थे जहलम का नाम था वितस्ता ये सारे हमें ऋग्वेदिक टेक्स्ट से नाम मिलते हैं ये संस्कृत में इनका नाम है वितास्ता एंड इंग्लिश में जहलम ठीक है चनाब का नाम था ए एस के आई एन आई ठीक है रवि का नाम था परुष्णी परुष्णी बियास का नाम था विपासा एंड सतलुज का नाम था शाद्रू ठीक है एरिया कौन सा था सरस्वती जो नाम गंगा एंड यमुना है जो हमें आज के रिवर्स पता है गंगना एंड यमुना ठीक है वो दोनों नाम जो है देवर वन वंस इन ऋग्वेदिक पीरियड दैट मीन्स अर्ली वेदिक पीरियड में जो गंगा एंड यमुना नाम है देवर मैंशन वंस गंगा यमुना

हिमावंत ठीक है हिमालियाज एज मुजवंत इन अर्ली वेदिक एंड हिमालिया एज हिमावंत इन लेटर वेदिक पीरियड ठीक है अब जो साउदर्न इंडिया है साउदर्न पार्ट उसकी आर्यन को कोई नॉलेज नहीं थी ठीक है एंड दे हैड नो नॉलेज ऑफ ओशंस नो नॉलेज ऑफ ओशंस ऑल द टर्म समुद्र जो है वो इज इन ऋग्वेद समुद्र के बारे में ऋग्वेद में समुद्र वर्ड मेंशन था मेंशन इन ऋग्वेद बट स्टिल दे हैड नो नॉलेज मतलब ये वर्ड मेंशन था लेकिन उस उनके ओशंस के बारे में उनको कुछ पता नहीं था डिटेल में मेंशन इन ऋग्वेद एंड कुछ एक टर्म्स देखेंगे जो अलग अलग चीजों के लिए यूज की गई थी धनवा वॉज यूज फॉर डेजर्ट तो ये सारे क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं इसीलिए आपको ये ध्यान से देखने होंगे उर्वरा एंड उषारा जो है ये के एस में पहले आ चुका है उर्वरा एंड उशारा ठीक है उर्वरा है आपकी फर्टाइल लैंड एंड उशारा इसका ऑपोजिट है इनफर्टाइल लैंड ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट जो ऋग्वेद में है ऋग्वेदिक पीरियड में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट ऋग्वेदिक पीरियड का इट वॉज कॉल्ड दस राजना दैट इज द बैटल ऑफ टेन किंग्स दस राजना बैटल ऑफ टेन ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके रिग्वेद पीरियड के और अर्ली वैदिक पीरियड के अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वेदिक पीरियड के ठीक है तो ये जो बैटल ऑफ टेन किंग्स था ये कहां पे फाइट हुआ था इट ऑन द बैंक ऑफ पर रिवर फॉर्ट ऑन दैंक्स ऑफ परोशिनी रिवर ठीक है परोशिनी कौन सा अभी मैंने आपको बताया रावी ठीक है तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें और एक यहाँ पे देख लो जो फेमस गायत्री मंत्र आपने नाम सुना होगा जो ऋग्वेद में मेंशन में है गायत्री मंत्र गायत्री मंत्रा जो ऋग्वेदिक में मेंशन में है इट वाज कंपोज्ड बाय विश्वमित्रा कंपोज्ड बाय ये भी प्रॉब्लम में आ चुका है ठीक है और ये गायत्री मंत्र किसके लिए यूज होता है इट इज यूज टू इन्वोक सोलर गॉड इन्वोक मतलब कॉल करने के लिए मेल सोलर गॉड ठीक है तो ये सारी चीजें अब लेटर वैदिक पीरियड क्या हुआ जो ये आर्यनस थे दे बिगैन टू मर्ज दमसेल्व इन टू बिग ट्राइब्स दैट मीन दो ट्राइब जो है वो मर्ज करके खुद को एक बड़ी ट्राइब बनाने लगे तो ये टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड हुआ तो यहाँ पे आपका ऋग्वेद का एंड लेटर वैदिक का सारा जो है सिलेबस कंटेंट जहाँ से एग्जाम में मेजॉरिटी क्वेश्चन आए हैं वो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में महाजनपदार्थ जिससे देखेंगे जो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन है वो कैसे हुई थी ठीक है वो स्टेट उस टाइम की क्या पोट्री थी वो कैसी टाइप की सोसाइटी थी एंड डिफरेंट डिफरेंट आपने मगध अभ्यार सुना होगा ठीक है वो वैसी अलग अलग जो सिटीज़ थी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑन तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे